चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार 1 अप्रैल को सीबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित 20वीं डीबी कोहली मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई को हर केस की बारीकी से जांच से बचना चाहिए, सिर्फ उन्हीं मामलों पर फोकस करना चाहिए जिनसे राष्ट्र सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरा हो। सीजीआई ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान पर्सनल डिवाइस की अवांछित जब्ती के उदाहरण सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को सर्चिंग, जब्ती और किसी के निजी अधिकारों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको सीजीआई के भाषण की 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहली, देरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की जरूरत है। हमें एक संस्थागत प्रतिबद्धता, विभिन्न विभागों के बीच वित्त तालमेल और रणनीतियों की आवश्यकता है। सीबीआई के मामलों की धीमी सुनवाई से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दूसरा, जजों की शिकायत रहती है कि उनमें जो बेस्ट होता है उसमें सीबीआई को उसमें नियुक्त किया जाता है क्योंकि वे संवेदनशील होते हैं, लेकिन धीमी गति से सुनवाई के चलते मामलों के निपटाने की दर भी धीमी हो जाती है। तीसरा, बहुत सी विशेष सीबीआई अदालतें मौजूदा अदालतें हैं। सिस्टम में आमूलचूल बदलाव करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत है। चौथा, सीबीआई उन अपराधों से निपटती है जो देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, उनका जल्द निपटारा जरूरी है। जिन पर कानून के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया इससे उनकी जिंदगी और प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है, देरी न्याय देने में बाधा बनती है। पांचवा, कोविड के दौरान हमने जबरदस्त कनेक्टिविटी देखी, वर्चुअल कोर्ट्स और ई फिलिंग सामने आई। इसमें चुनौती ये है कि बिना इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की समझ के बिना कैसे काम करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। आपको बता दें, डीपी कोहली सीबीआई के पहले डायरेक्टर थे। धर्मनाथ प्रसाद कोहली 1907 में यूपी में पैदा हुए। 1931 में उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। कोहली ने यूपी, मध्य भारत और भारत सरकार में सेवाएं दी। 1955 में कोहली दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के प्रमुख बनाए गए। इसका मकसद लोक सेवा में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। 1 अप्रैल 1963 को वे सीबीआई के संस्थापक निदेशक बने। कोहली 1968 तक सीबीआई के डायरेक्टर रहे। साल 2000 से सीबीआई लगातार डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन कर रही है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। इसमें शामिल लोग मौजूदा चैलेंजेस, लॉ एनफोर्समेंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जैसे विषयों पर अपनी बात रखते हैं।